देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीति में दर्शकों आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। अमित शाह जी ने कुछ बयान दिया, जबरदस्त भूचाल आ गया। तेजस्वी यादव ने उसका जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अक्सर बात कहते हैं कि हम 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, लेकिन बिहार में इनकी जबान कुछ और हो जाती है, महाराष्ट्र में कुछ और हो जाती है, उत्तर प्रदेश में कुछ और हो जाती है, साउथ में कुछ और हो जाती है। बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा जाति समीकरण ज्यादा है। अमित शाह बोले कि ये जो जनगणना सर्वे किया गया है इसमें मुसलमानों की और यादों की तादाद ज्यादा दिखाई है, तुष्टिकरण हो रहा है। मतलब बिल्कुल साफ सुथरे लफ्जों में आ गए, लिखते हैं कि मुसलमान और यादव की आबादी बढ़ाकर बताई गई है। अमित शाह के बयान में बिहार में हंगामा हो गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि आप पूरे देश के अंदर बता करवा लीजिए ना, क्यों नहीं कराते, इस पर सांप क्यों सूंघ जाता है। आप पहले अमित शाह का बयान देखिएगा क्या कहा। अमित शाह के रिपोर्ट बताया कि अमित शाह ने कहा कि राज्य में जाति सर्वे कराने का निर्णय तब लिया गया था जब नीतीश के साथ होते तो करा लेते, जाति गणना कराना 2025 के बड़ा सियासी काल। उन्होंने कहा बीजेपी इसका समर्थन किया था लेकिन लालू प्रसाद के दबाव में मुसलमानों और यादवों की आबादी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है, ऐसा कर अति पिछला समाज के साथ अन्याय किया गया है। अब इसका जवाब दिया नीतीश कुमार को, आगे लिखा कि प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए, उन्हें तो संयोजक भी नहीं बनाया गया है। अब आप देखिए इस पे लालू प्रसाद ने क्या कहा है अमित शाह पर। RJD और JDU कश्मीर से धारा 370 के समर्थन में नहीं थे, ये भी कहा। तेजस्वी ने जो जवाब दिया वो देख लीजिए। मैंने अमित शाह का बयान सुना, उन्होंने कहा कि जाति आधारित सर्वे में यादव और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और अन्य समुदायों की आबादी घटी है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर सर्वे गलत है तो पूरे देश में जातीय जनगणना करा लें, आपको किसने रोका है, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। और JDU ने भी कहा है, JDU के अच्छे हुए नेता हैं लल्लन सिंह, उन्होंने कहा कि देश भर में जाति करवा लो और जो है मौजूदा क्या बिहार, अगर बिहार की जाति जनगणना सही नहीं है तो अमित शाह ऐलान करें कि 6 महीने में देश में जातीय जनगणना कराएंगे, ऐसा करें वो बिहार की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के आंकड़ों को गलत साबित कर दें। अमित शाह कह रहे हैं कि बिहार में अति पिछड़ा की आबादी कम दिखाई गई है, उनको जानकारी नहीं है अति पिछड़ा आबादी 37% है। फिर उसके आगे बड़ी अच्छी बात उसने कही, मैं उनके ट्विटर पर देख रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको अगर मुझे मिल जाता है। उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि तुम्हारे जो बिहार के अंदर नेता हैं उसमें कितने OBC हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी झूठ भ्रम फैलाने की बजाय ये बताएं कि अगर बिहार के जातीय सर्वे आंकड़े गलत हैं तो केंद्र पूरे देश में राज्यों में कराले जारी क्यों नहीं करती, बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी जातिगत गणना क्यों नहीं कराती, केंद्र सरकार में कितने OBC SC ST कैबिनेट मंत्री हैं और कितने गैर OBC SC ST सूची जारी करें, खाना पूर्ति के लिए इक्का दुक्का मंत्री हैं भी हैं तो उन्हें गैर महत्वपूर्ण विभाग क्यों दे दिया गया है, और राज्यसभा लोकसभा में तो कोई मुस्लिम ही नहीं छोड़ा है। वो शाहनवाज नकवी थे बेचारे, करते रहते थे खिदमत जैसी भी अपने से होती थी, उनको भी कार्यकाल ना खत्म करके चल डाल दिया गया। बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री OBC और SC ST हैं, ये तेजस्वी यादव पूछते हैं। पिछला और गैर पिछला मुख्यमंत्री तुलनात्मक प्रतिशत बताएं। बीजेपी के बिहार से केंद्र में कितना पिछड़ा और अति पिछड़ा कैबिनेट मंत्री हैं, 0 हैं। जवाब देंगे तो हम आपके साथ साथ हिंदुओं की 85% पिछड़ा और दलित आबादी की भी आंखें खुल जाएंगी। यह है बड़ी रोचक बात है, और इसी जातीय समीकरण को दबा करके हिंदुत्व की भावना फैला करके सरकार बनाने का प्रपंच रचा जाता है। कई लोगों का आरोप है, मेरा नहीं है, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी हो जाए। राहुल गांधी भी आए, कांग्रेस भी आई इसी बात पर, और होना नहीं चाहिए। क्या ये नहीं पता होना चाहिए कितने TB का मरीज हैं, कितने की हड्डी टूटी हुई है, कितने दिल के मरीज हैं। आप 5 किलो राशन की दवाई सभी को देते रहेंगे। आप तो ये बताइए कि कितने लोगों को उत्थान के लिए हमने क्या काम किया है, और उत्थान तो जब ही होगा जब आपको पता चला होगा कितने मरीज हैं, कितने लोग कितने हैं, यही तो बताइए आप। जबी तो आप रिजर्वेशन और जो है स्रोत का बंटवारा करेंगे, या ये कर देंगे कि देश की संपत्ति 1 या 10% लोगों के हिस्से में 60% से ज्यादा आ जाएगी। बड़ी खबर का अमित शाह के बयान से बवाल हुआ, तेजस्वी यादव ने जवाब दिया। आने वाले वक्त में तो जवाब आपको देना है कि क्या करना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।